नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सुबोध जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएफ का पैसा कैसे निकालना। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको पीएफ होम लिख के सर्च करना है। आपके सामने ये वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन होगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप जो है पीएफ के लिए पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए यहाँ पर अपना पीएफ नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में टाइप करना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पीएफ नंबर है तो पीएफ का पासवर्ड बनता है, ये आप किसी से पता कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। पीएफ का पासवर्ड और यहाँ पे पीएफ नंबर देने के बाद यहाँ पे साइनिंग करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम साइनिंग कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर का पीएफ नंबर है, आप देख सकते हैं, तो मैं उसका लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी और ए कैप्चा मैंने टाइप किया, उसके बाद साइनिंग पर क्लिक किया, ठीक है। जैसे हमने साइनिंग पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे अभी लॉगिन होगा, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों का समस्या यहाँ पे एक और आता है कि पासवर्ड फॉरगेट करने वाला, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी सलूशन है। यहाँ पे हम टर्म कंडीशन अलाउ करेंगे और फ़ोन को रिफ्रेश करेंगे ताकि हमको पासवर्ड पुराना वाला पूछेगा ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा। अब आपको सर्विस का जो ऑप्शन है इधर साइड में देखेंगे, यहाँ पर सर्विस ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा क्लेम का, आपको क्लेम वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बेसिक जानकारी आपको भरना है जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो कुछ लोगों का यहाँ पे पासवर्ड वाला भी प्रॉब्लम आता था तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपको जिस अकाउंट नंबर आपका लिंक है पी एफ में, उसी अकाउंट नंबर खाता को यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर खाता हम टाइप कर लेते हैं 18 6 9 481। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे खाता वेरीफाई होगा, यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम, आपको इस पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक दूसरा पेज खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन लेना है फॉर्म 19 और 10, दोनों सेम तरीका से भराएगा। फॉर्म 19 हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 10 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, कंपनी किस स्टेट में है और पिन कोड, सारी चीज़ें आपको देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासबुक अपलोड करना होगा। यहाँ पे पासबुक चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और ये गैलरी में जाएगा। गैलरी से यहाँ पर फ़ोटो अप लीजिएगा, फ़ोटो रिसाइजर ऐप से जो है फ़ोटो बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पे वी पे क्लिक करके फ़ोटो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया है पासबुक का। अब यहाँ पे डिटेल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम, कंपनी किस स्टेट में है यहाँ पे देंगे तो कंपनी है यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कंपनी है, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ है, रायगढ़। तो सेम इसी तरीके से आप भी भरिएगा दोस्तों, रायगढ़ कंपनी आर ये, और फिर कंपनी का पिन कोड किस एरिया में है वो, सिटी का नाम, कंपनी का नाम और स्ट्रीट, ये सब भर दीजिएगा, ठीक है। अब आपका जो मोबाइल है आधार कार्ड में लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद आपको सबमिट करना, ठीक है। चलिए ओटीपी हम सबमिट कर लेते हैं। ओटीपी देने के बाद जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो ये ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट होगा, आपका देख सकते हैं सबमिट हो रहा है और थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अभी जो हम किए हैं ये पीएफ का किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैंने अप्लाई किया ये पीएफ के लिए किया है, अब दूसरा बार हम करेंगे पेंशन के लिए और टोटल पैसा जो हमारे बैंक में आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, 7 से 8 दिन का टाइम लेगा। देखिए यहाँ पर क्लेम हो चुका है, आप देख सकते हैं लाइव मैं आपको दिखाया हूँ, ये क्लेम हो चुका है, ठीक है। अब जो है दोस्तों क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पे फिर क्लेम पे जाएंगे, ठीक है। आप लाइव देख लीजिए, फिर स्टेटस भी हम चेक करने का तरीका आपको बता देंगे। क्लेम पर जाएंगे दोबारा,
देखिए, उसके बाद फिर से हम अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर दोबारा टाइप कर लेते हैं। अकाउंट नंबर हम दोबारा टाइप करेंगे 37 12 18 6 9 4। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे और प्रोसेस टू फॉर ऑनलाइन क्लेम करेंगे। थोड़ा सा वेट करना है और नया पेज खुलेगा। पहले बार मैंने फॉर्म 19 लिया था, अभी 10 लेंगे। देखिए आ गया ऑप्शन, यहाँ पे हम 10 लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने अभी आपको बताया। कंपनी का नाम है, स्टेट, पिन कोड, पासबुक, पासबुक पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर फाइल में जाएंगे, यहाँ से पासबुक अपलोड करेंगे। ठीक है, अब सारे जानकारी यहाँ पे भी मैंने भर दिया है। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वेट बोला है, अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। और दोस्तों पीएफ निकालना बहुत आसान है, बस आपको स्टेप समझना होता है, आपको तरीका समझना होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्राई अगेन बता रहा है, मैं फिर से कर रहा हूँ, नेटवर्क स्लो है। तो ओटीपी आएगा, अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे नेटवर्क अभी फेल्ड कर रहा है, देखिए आ गया। ठीक है, अब दोबारा ओटीपी आएगा, अभी दोबारा ओटीपी आ गया है। फिर से हम वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ये जो है वैलिडेट थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ देर आपको वेट करना फिर से। और सेम ये दो तरीका ही बस आपको करना होता है और पीएफ का पैसा पूरा आपका बैंक में भेज देता है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी यहाँ पर सबमिट किया हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और फिर आपको चेक करना है आपका यहाँ पे क्या स्थिति है, चेक कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि बाद में आप बार बार चेक करेंगे कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे तीनों काम हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। ठीक है, अब आपको बैक करने के बाद आपने जो पीएफ के लिए अप्लाई किया है वो पैसा बैंक में आया है कि नहीं आया है, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जूम कीजिएगा अपने फ़ोन को यहाँ पे इस तरीके से, और फिर आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है, देखिए मैं जब एक बार अप्लाई किया था तो रिजेक्ट कर दिया था किसी कारणवश, जैसे कि पासबुक में साइन वगैरह नहीं था, फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रहा था, तो वो रिजेक्ट कर दिया था, देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर आज मैंने अप्लाई किया है, 21 को किया है फॉर्म 1910। ये जब आपको यहाँ पे अंडर प्रोसेस में चल जाएगा तो ये लगभग जो है एक महीना तक ये लगता है टाइम, कभी कभी ये 21 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी ये आपको एक महीना का भी टाइम लेता है। तो अंडर प्रोसेस में रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, पीएफ का पैसा आएगा। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, रिजेक्ट क्यों होता है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन ये पैसा आ जाता है। तो अभी मैंने अप्लाई किया है, अभी पीएफ ऑफिस में नहीं पहुँचा है, देखिए अभी अप्लाई ही हुआ, ये फील्ड ऑफिस में जाएगा, फिर ये अंडर प्रोसेस में रहेगा, फिर ये पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, सेटल हो जाएगा पैसा आपका। तो ये 72 घंटे में पैसा खाता में आता है, जब यहाँ से सेटल भेज देगा पैसा आपके बैंक में, तो सेटल होने के बाद पैसा जो है 72 घंटे बाद खाता में आता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पैसा सेटल हो गया लेकिन खाता में नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमसे रिजाइन कराना है या हमसे पीएफ का काम कराना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, टेक्निकल सुबोध जी आईडी का नाम है, या मुझे कमेंट कीजिएगा तो हम आपको मोबाइल नंबर दे देंगे। ठीक है।